हिस्सा रोका। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। मतदाता सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष की पार्टियों की बहुत बुरी हालत है और कांग्रेस ने कश्मीर को वोटों के लालच में आतंकियों का अड्डा बना दिया था, जहां बीजेपी सरकार ने एक झटके में धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। कानपुर में प्रभावी मतदाता सम्मेलन में, कानपुर में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी है, मैं कह सकता हूं कि कानपुर और आसपास के अभी सभी सीटों पर हम ऐतिहासिक वोटों से स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज करेंगे, महापौर के चुनाव में और अगल बगल के नगर पालिका परिषद के चुनाव में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। कार्यकर्ताओं ने, आसपास के लोगों ने, आम नागरिकों ने उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में G20 के ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप G20 यानी सिविल C20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय विद्युत और प्रभारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सहित सभी विधायकगण मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय C20 शिखर सम्मेलन में लगभग 700 चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, देखिए, 2 विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं कुछ विषयों को लेकर के, जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं, तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। 2 दिन का सेमिनार और इसमें मन कासगंज में 3 दिवसीय योग शिविर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाबा रामदेव ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम से मुगलों के इतिहास से छेड़छाड़ का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आज भी भारत का जो मुसलमान है वो 90% परिवर्तित है। यहाँ के मुसलमानों को अपने आप को बाबर औरंगजेब से नहीं बल्कि सीधे भारत से जोड़ना होगा, क्योंकि मुगल आक्रांता थे। शिक्षा की बात की, NCERT में जो बदलाव किए गए, कहा गया कि मुगलों का इतिहास बदल दिया गया। विपक्ष कह रहा है कि पूरी सरकार जो है उसको मानना है, उसमें सॉरी मनमानी बोल रही है, क्या देखते हैं आप, क्या कहते हैं? देखो, मुगलों का इतिहास ही लूटपाट का, वो कोई यहाँ पर चैरिटी करने आए थे, उनके पास था क्या? बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक देश के प्रति उनमें कोई दया रहने का भाव था, कोई भारत को बनाने का भाव था? वो तो आए भी यहाँ लूटने के इरादे से, आक्रांता थे। लखनऊ में वसीम रिजवी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक मूवी बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी किस तरीके से हिंदुओं को बर्बाद कर रही हैं और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे रही है। वही फिल्म डायरेक्टर संतोष मिश्रा ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं कई बार पश्चिम बंगाल गया और फिर मेरा ढाका जाना हुआ। इसका 40% पार्ट मैंने बारीकियों से गौर करते हुए शूट किया, साथ ही आने वाले 2 से 3 महीनों में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो जाए। बहुत पुराने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलने का मौका मिला। देखिए, हमने पहली फिल्म बनाई थी राम की जन्मभूमि, उसमें बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा था। हमको बड़े ऑफर भी हुए कि उस फिल्म को रिलीज ना करें, हमने जितना पैसा लगाया है उस पैसा उनको दे दिया जाए, 15 करोड़ रुपए तक का ऑफर हुआ। मैंने उस बात की FIR थाना हुसैनगंज में करवाई
टाइगर मेमन का भाई था अब्दुल मेमन, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई और हमने फिल्म को रिलीज किया। इलेक्शन के पीरियड थे, कुछ टाइमिंग गलत थी और कुछ उन लोगों की साजिश थी जिसकी वजह से बहुत जगह रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन अच्छे क्षेत्रों में रिलीज हुई। ताज नगरी आगरा की दशकों पुरानी पेयजल समस्या का निराकरण पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है और आज आगरा को 350 MLD गंगा जल मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आगरा में 145 करोड़ की लागत से परियोजना शुरू कराई गई थी, जिसके अंतर्गत 7 ओवरहेड टैंक, 4 CWR, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन के साथ साथ घर घर लाइन बिछाने के लिए 180 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जो लगभग पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम मेरी प्राथमिकता में क्या है मैं बता दूं, लेकिन वो भी है, हम लोग आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, उसको भी देखेंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता है वो स्मारक बनना जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज कैद किए गए। लेकिन उसको भी और ध्यान दिया, अभी थोड़े दिनों पहले बल्कि परसों ही मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, मैंने कहा उस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जो म्यूज़ियम है उसका डेवलपमेंट रुक गया, उसको पूरा करें, तो उसकी योजना बन रही है कि क्या इसको सरकार चलाएगी या इसको कोई प्राइवेट संस्था PPP मॉडल पर दिया जाएगा, क्योंकि बन तो जाएगा, उसको सतत चलाए रखना एक प्रश्न खड़ा होगा, तो उसकी व्यवस्था भी सोची जा रही है, देखेंगे। आगरा में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वही सिकंदरा और न्यू आगरा थाना क्षेत्र में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके तहत अंकुश मंगल गैंग के 3 सदस्यों को न्यू आगरा से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 8.5 लाख रुपए, कई मोबाइल, नोट गिनने की मशीन, कई लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। IPL के सट्टा लगने की सूचना पे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे SOG टीम कमिश्नरेट आगरा, SHO न्यू आगरा और SHO कमला नगर के नेतृत्व में टीम ने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है जो IPL पे सट्टे लगाने का काम करते थे क्रिकेट गुरु ऐप के माध्यम से। इनके पास से 8,14,000 रुपए, कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डोंगल, नोट गिनने की मशीन और सट्टे से संबंधित चिट नोट्स बरामद हुए हैं। इनमें तीनों अभियुक्त का नाम अमित अग्रवाल, सोनू और बंटी है। अमित अग्रवाल बीते दिनों में एक अंकुश मंगल नाम का सट्टा माफिया जिसके ऊपर 14 की कार्रवाई भी हुई थी और लगभग करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी जब्त हुई थी, उसका परिजन भी है, उसका रिलेटिव है और उसी के लिए ऐसा पूछताछ में सामने आया कि ये सट्टे का काम करता था। इन सभी को के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं जिनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको। बुलंदशहर के लघावटी ब्लॉक के गांव खनोदा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बर्तन धोने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सरकारी नल पर खाने की थालियां साफ करते छोटे छोटे नौनिहाल नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व भी बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा साफ सफाई करने या पानी भरकर लाने जैसा वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। वह बुलंदशहर के लघावटी ब्लॉक के खनोदा गाँव में मिड डे मील के बाद बर्तन धोने का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम है जहतन। हमारे बच्चे घर जाकर कहते हैं, साफ सफाई करते हैं, बर्तन मांजते हैं और झाड़ू लगाते हैं। हमारे बच्चे इस बात का घर जाकर बताते हैं हमें। आज हमने मौके पर आकर देखो तो वही काम हो रहा है जी, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। हेड मास्टर करवा तो जी, बच्चे बताते हैं जी हेड मास्टर करवा तो सफाई, अब बर्तन मांजवा तो है, बच्चे ने हमें बताई घर जाकर, आज हमने मौके पे देख ली, जंगल से आए, वही काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, बर्तन मांज रहे सफाई। लखनऊ के अलीगंज की रोड पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल अलीगंज के गोयल चौराहे से संगम चौराहे की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है। इसके अलावा सहारा स्टेट रोड और नहर रोड जानकीपुरम का भी हाल कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसने नगर निगम की पोल खोल दी है। राजधानी लखनऊ में 5-5 अपर नगर आयुक्त होते हुए भी लोग कूड़े की ढेर की वजह से एकल दिशा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही गंदगी की वजह से बीमारियां भी फैल रही है। सामुदायिक केंद्र के पास बने कूड़े घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा है और लोगों की समस्या का कोई समाधान तक नहीं निकाला जा रहा और लोग गंदगी में अब रहने को मजबूर हैं। तो
यूपी की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अलीगढ़ रोड पर जहां बीच सड़क पर ही गंदगी देखने को मिली, तो उस गंदगी की वजह से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि अब लोगों में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां 2.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के साथ पुलिस ने 4 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चारों महिलाएं और आरोपी पुरुष एक शिक्षा संस्थान के पास करोड़ों रुपए के नशे के सामान की डिलीवरी करने के लिए पहुंचे थे। वह पुलिस के मुताबिक नशे के सामान की अवैध डिलीवरी के तार देश की राजधानी के आसपास के कई राज्यों में भी फैले हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में मास्टरमाइंड की भी अब तलाश कर रही है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है सुगौली, वहाँ के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं और एक पुरुष है। ये सामान्यतः जो है इनसे 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये बिहार और नेपाल से माल को लेते थे। सुनीत नामक एक व्यक्ति था जो माल इनको प्रोवाइड कराता था, और उस माल को लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिलीवर करते थे। सामान्यतः इसमें यह था कि पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि हमें माल वहाँ से दे दिया जाता था, और जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे डेस्टिनेशन पे, तो वहाँ पे उन लोगों को फ़ोन से अवगत कराया जाता था कि इनको माल सप्लाई करना है। हरदोई के पाली में दवा लेने आए एक युवक की बाइक चोरी का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गया और चोरी करने की पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वह फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर बाइक चोर की तलाश में जुटी हुई है। पाली का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी प्रयास कर रहा है, मोटरसाइकिल चोरी करके वो ले भी गया है। इस संबंध में जांच की जा चुकी है और वादी की तलाश हो चुकी है। वादी को बुला के उससे प्रार्थना पत्र लिया गया है, इसमें शीघ्र ही इसका खुलासा किया जाएगा। रायबरेली शहर के इंदिरा नगर की रहने वाली बेटी दीपिका श्रीवास्तव ने जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि दीपिका श्रीवास्तव के पिता प्रभात श्रीवास्तव का 2017 में निधन हो गया था, और पिता की मौत के बाद भी दीपिका श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी और पिता की उम्मीदों को साकार करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। तो लोअर पीसीएस की प्रतियोगिता में दीपिका श्रीवास्तव का चयन हुआ है। आपको बता दें कि लोअर पीसीएस का बीते दिनों ही रिजल्ट आया था, जहां गरीब किसान की बेटी ने नाम रोशन किया है। दीपिका श्रीवास्तव ने रायबरेली का नाम रोशन किया है। मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मेरा चयन लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस की मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पर हुआ है। आपकी कौन सी रैंक आई हुई है? रैंक इसमें डिसाइड नहीं हुई है। अच्छा। उसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम अपने पूरे परिवार को, अपने गुरुजनों को, ईश्वर को, सभी को देना चाहते हैं। सुमन श्रीवास्तव, आज आपकी बेटी का चयन हुआ है जी, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप लोग? बहुत अच्छा। अच्छा, ये शुक्रिया किसको देंगे? सब क्या बताएं, सब बड़ों का आशीर्वाद है भैया। संबल के गांव फुलसिंघा में पिछले 20 दिन से बिजली पानी नहीं आ रहा है, जिस वजह से लोग भी काफी परेशान हैं। वही गांव निवासी ने बताया कि उनके घर के पास 11,000 वोल्ट का एक पोल खड़ा था, जो किसी वजह से टूटकर झुक गया। इस पोल के झुकने की वजह से एक मजदूर की करंट लगने से जान जाते जाते भी बची थी। तब ग्रामीणों के अनुरोध पर लाइन मैन ने इस पोल से जुड़े TF की बिजली सप्लाई बंद कर दी थी। तब से 20 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पोल बदला गया और ना ही बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चालू की गई है, जिस वजह से 50 परिवार गर्मी में बिना बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। बत्ती ना आ रही, और क्या हुआ? कई दिन से 25 दिन से भी ज्यादा ही हो गए होंगे, कम ना। कुछ परेशानी है बिजली ना आने से? परेशानी ना, सब कुछ परेशानी नहीं है बिल्कुल। पानी की परेशानी, बताओ, रमजान वैसे चल रहे हैं और बत्ती बिल्कुल ना आ रही। क्या नाम है? परेशानी है, लाइट की परेशानी, घर में उजारों की परेशानी, वो भी नाम है।
और लाइट किसी का देख ले तार में शॉर्ट है तो 20-25 हज़ार का बिल। लगभग जो है तकरीबन 20-22 दिन से लाइट नहीं आ रही है, यहाँ पे एक हादसा भी हो चुका है तकरीबन अब से कुछ टाइम पहले, उसकी जान जाने से बची है। हमारा जो बिजली अधिकारी लोगों से यही सुनवाई है कि हमारी बात को सुने, हमें कोई ठीक कराए, कहीं बड़ा हादसा हो जाए और कोई। बिजली के बारे में जुई ना तो बत्ती आ रही है, और जो खम्मा मेरे मोड़े पे गिर गया तो सब बंद हो जाएंगे। हम कहाँ पे बंद हो जाओगे? जो खम्मा मेरे मोड़े पे ही है। अच्छा, किसी से शिकायत किया आपने? ये ले गए वो खालिद ले गए हैं तो वो कहीं सुनवाई ना करे तो फिर घूम जाए तो कोई आए ही ना भैया लगाना, अब 1800 बत्ती भी ना आ रही, और भैया जब खम्मा के मारा हम डर के मारा सही शान सही सो जाए निकलते भी ना। साहब हमारे यहाँ 20-25 दिन से लाइट नहीं आ रही, पानी को तरस रहे हैं, मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहे और खम्बा टूटा पड़ा है। एक हादसा हो गया जिसमें 2 दिन मजदूर अस्पताल में रह गया, बड़ी मुश्किल से जान बची उसकी, अब भी 11,000 के तार नीचे पड़े, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किसी से कोई शिकायत की? संबंधित अधिकारी जय साहब से कई बार कहा मगर वो अभी हमारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं अभी गाँव वालों को कितने लोगों को और इससे जान आ जाएगी जब इस समस्या का समाधान होगा। बीच गाँव में एक खम्बा टूटा पड़ा झुका पड़ा है, 11,000 के तार नीचे। खबर बुलंदशहर से है जहां सिकंदराबाद नगर के काजीवाड़ा में रहने वाले युवक पारस ने प्रदेश लोक सेवा आयोग में दूसरा स्थान पाया है, जिससे देखकर पारस के परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और रिजल्ट घोषित होने के बाद पारस का परिवार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहा है। बताया जा रहा है कि पारस की माँ घरेलू महिला है और पिता की सिकंदराबाद नगर में ही किराना की दुकान है। पारस इस समय दिल्ली में है, अब कोचिंग के लिए वहीं रह रहा है पिछले काफ़ी समय से और अभी भी वहीं है, आज अभी आ नहीं पाया है। परिवार के लिए कैसा पल है? परिवार के लिए महान खुशी का पल है, उसके दादाजी ने सपना देखा था और अभी हम सब बड़े खुश हैं। उनकी दादी ये हैं, मम्मी हैं, ताई हैं, मैं ताऊ हूँ पारस भाटिया का, और बहुत ही खुश हैं हम, बहुत खुश है कि वो देश सेवा में उसको एक स्थान मिला और हम बहुत खुश हैं। पारस की मम्मी क्या करती हैं? पारस की मम्मी हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं। खबर गाजीपुर से है जहां से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। मामला मर्दा थाना क्षेत्र के हरिकरणपुर गांव का है, जहां मानसिक रूप से बीमार महिला ने अपने 2 मासूम बेटों की गला रेत कर हत्या कर दी है। बता दें कि गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र के हरिकरणपुर गांव के रहने वाले आरोपी महिला के पति सेना में कार्यरत है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात है। गाँव के घर में उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों और अन्य परिजनों के साथ रहती हैं। बताया जा रहा है कि महिला लंबे अरसे से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसके चलते महिला ने अपने 2 मासूम बेटों की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है और लगातार अब उससे पूछताछ भी कर रही है। सुबह 7 बजे के करीब थाना मर्दा को यह सूचना मिली थी कि 2 अबोध बच्चों का गला रेत दिया गया है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, उसके बाद सभी अधिकारी, मैं भी वहां गया तो पूरा घटनाक्रम यह है कि वहां पर एक महिला ने अपने 2 बच्चे, जिनमें एक की उम्र लगभग 10 महीने है, एक की 5 साल है, उन्हें दोनों का गला रेत दिया था। जो बातचीत परिजनों से हुई है और महिला से भी हुई है तो गाजियाबाद के लोनी में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से खेत में करीब 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आग के कारण बंधला गांव निवासी किसान के गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। एक तरफ किसान के ऊपर बेमौसम बारिश ने आफत मचा रखी थी तो वहीं आग लगने से किसान काफी ज्यादा आहत हुआ है। ये कबूतर बैठ गए तारों पे और चिंगारी गिर गई। तो कितना अंदाज आपका कितना नुकसान हो गया खेत में? 5 बीघे का। 5 बीघे का। तो आपको पता कि आग किन कारणों से लगी है? हाँ, बिजली पे उसमें तारों पे कबूतर बैठ गए और चिंगारी गिर के चिंगारी से आग लगी है। तो यहाँ कोई अधिकारी, कोई मुख्य पे कोई अधिकारी आया आपसे कुछ पूछने के लिए? हाँ, दो आए थे जी पुलिस वाले, दो दरोगा आए थे और उनसे कुछ और कोई नहीं आया?
पटवारी तहसीलदार कोई आपसे किसी का फोन वोन किसी का कुछ नहीं आया? ये लाइनें सब बहुत पुरानी लाइनें हैं और ये सब जर्जर हालत में है। तो आप गांव के प्रधान हो? जी। ठीक है जी, धन्यवाद। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। घटना में बस चालक की मौत हो गई है, वहीं 17 लोग घायल भी बताए गए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना थाना क्षेत्र के बुलंद एक्सप्रेसवे का बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।